नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि कल वीडियो मैंने बनाई थी निर्जला एकादशी की, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके जो भी सवाल हो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल पूछ लें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज आपको निर्जला एकादशी से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा सवाल तो यही है कि मैम, निर्जला एकादशी के व्रत कौन कौन कर सकता है? जैसे कोई बच्चे हैं, उन्होंने पूछा क्या मैं कर सकता हूँ, क्या कुंवारी लड़कियाँ कर सकती है? तो जी, जो सबसे ज़्यादा सवाल है वो यही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि निर्जला एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चा कर सकता है, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। यानी कि एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। फिर यही कहूंगी कि एकादशी का व्रत करना है, नाम है निर्जला, लेकिन आप व्रत करेंगे अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपको फिर बताती हूँ कि आपको अपने जीवन में जो भी बदलाव लाना है, एकादशी का दिन पड़ा है, उस दिन इस बात का संकल्प भी आप लें कि आपने अपने जीवन में क्या क्या बदलना है। क्योंकि जो चीज़ भगवान के साथ जुड़ जाती है और भगवान के सामने हम संकल्प लेते हैं, या कह दो कि भगवान के सामने हम बोलते हैं, तो उस चीज़ को पूरा करने में, यानी कि उसमें बदलाव लाने में थोड़ी आसानी हो जाती है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है उस बदलाव को लाने के लिए। तो निर्जला एकादशी है, बड़ी एकादशी है, अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने बच्चों के अंदर बदलाव लाएं। जैसा कि मैंने बताया, बच्चों को भी बोलें कि सुबह उठ के सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें, दोनों को मलकर अपने चेहरे पर लगाएं, जिससे कि उनकी बुद्धि का विकास हो और तेज और ओज बढ़े। सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों के सवाल जो हैं बहुत सारे हैं। तो पहला सवाल है साहिल धैया का कि मैम, घर में कौन सा शंख रखना चाहिए? तो जी, आप घर में दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं, वामवर्ती शंख भी रखा जाता है। तो जो दक्षिणावर्ती शंख है उससे आप पंचामृत भरकर ठाकुर जी को निर्जला एकादशी पर स्नान करवा सकते हैं। अगर शंख नया आपको लेकर आना है तो निर्जला एकादशी पर नया शंख लाकर ठाकुर जी को उससे स्नान करवाएं, उसमें गंगा जल डालकर या पंचामृत डालकर स्नान करवाएंगे, तो आपका जो शंख है उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, यानी कि उसका जो पूजन है वो भी हो जाएगा। शंख के ऊपर आप हल्दी, केसर और कुमकुम से तिलक जरूर लगाएं। फिर दूसरा सवाल है लक्ष्मी कंवर का कि घर में विष्णु जी की फ़ोटो नहीं है तो क्या करें? तो जी, कोई बात नहीं, घर में विष्णु जी की फ़ोटो नहीं है तो आपके घर में गोपाल जी हैं उनकी पूजा करें, या आपके घर में कृष्ण जी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, विग्रह हो, जो भी है उनकी पूजा अर्चना करें, या शालिग्राम जी हैं तो उनकी भी आप निर्जला एकादशी पर पूजा सेवा जो मैंने बताई है वो करें। फिर सवाल है सीमा राठी का कि मैम, आप प्लीज़ बताएं, इस बार हमें पूजा के लिए मस्क मेलन नहीं मिला है तो क्या हम केले से पूजा कर सकते हैं? तो जी, कोई बात नहीं, आपको मस्क मेलन नहीं मिला तो आप आम लेकर आएं, आम का सीजन, आम काफ़ी मिलते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि केला, वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। फिर सवाल है राधेश्याम का कि मेरे पेट में इन्फेक्शन है, गॉल ब्लैडर में कचरा भी है, अभी पता चला, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बट मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ जो कि मेरे कुछ पाप कट जाएं, बट मुझे 3 टाइम मेडिसिन खानी होती है, 1 साल के बेबी भी है जो फीडिंग करता है, मैं परेशान हूँ, प्लीज़ कोई रास्ता निकालें, मैं कैसे अपने पाप कम करूँ? तो जी, आपने बोला कि मैं व्रत कर लूँ ताकि मेरे पाप कट जाए, तो जी मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा करें, ये मत सोचें कि आपके कोई पाप कट जाएंगे, या ये मत सोचें कि आपके अच्छा फल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, फल की इच्छा ना करते हुए अपना व्रत करें। बाकी ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूजा सेवा कर रहे हैं तो आपके जो पाप है वह पुण्य में बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उनका अच्छा लौट के आना, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वो लौट कर अच्छे के रूप में आएंगे ही आएंगे, और जो जाने अनजाने में हमारे से जो पाप भी हुए हैं तो उनका फल तो हमें भुगतना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो पाप हमने किए हैं पूजा पाठ करने से, ठाकुर जी की भक्ति करने से, हमें
जो पाप मिला है यानी कि जो कष्ट मिला है उसको सहने की शक्ति आ जाती है। फिर और रही बात कि मैं व्रत करने की, तो देखिए मैं हर बार यही बोलती हूँ, तो जी फिर मैं यही कहूँगी कि शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। आपको दवाई लेनी है तो आप दवाई लें, और ऐसा नहीं है कि व्रत निर्जला ही रखा जाता है, बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है। मन में शुद्ध भाव होने चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए, तो आप अपना व्रत करें, खा पी कर अपना व्रत कर सकते हैं। फिर सवाल है गौरव सिंह का कि निर्जला एकादशी को शालिग्राम जी स्थापित कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल, निर्जला एकादशी पर आप शालिग्राम जी की स्थापना कर सकते हैं पंचामृत से स्नान करवा के। फिर सवाल है सोनिया अग्रवाल का कि एकादशी के दिन गोपाल जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं, तो जी बिल्कुल भी नहीं। एकादशी के दिन, जैसे इस बार तो बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी, तो ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। हाँ, उनको आप दूध फ्रूट बार बार दे सकते हैं। फिर सवाल है हिमांश का कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी, चरणामृत का प्रसाद व्रती भी ले सकते हैं ना, तो जी बिल्कुल, जो ठाकुर जी को हम स्नान करवाएंगे वो प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। फिर है नीरू कंवर का सवाल कि पारण करने के बाद दिन में कुछ नहीं खाना द्वादशी को, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, व्रत का पारण करने के बाद आप खा पी सकते हैं। हाँ, कोशिश करें प्याज लहसुन ना खाएं। फिर सवाल है कांता छेरा का कि निर्जला एकादशी को फलाहार और दिन में एक बार खाना खा सकते हैं क्या, तो जी खाना पूरे दिन में एक बार ही खाना है। हाँ, जैसे फलाहार जो आप बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया, जैसा मैं समझ पा रही हूँ फलाहार के मतलब ये है कि जैसे आपने जो व्रत का खाना बनाया जाता है वो आप खा सकते हैं। कुछ लोग दिन में दो बार भी नमक खा लेते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। हाँ, आप एक बार जैसे दूध फ्रूट ले लें, एक टाइम आप व्रत वाला खाना खा लें। फिर सवाल है सामरे सरकार का कि हमें एकादशी व्रत करना स्टार्ट करना है तो कल से ही स्टार्टिंग करें, पहली बार करना है तो कल ही करें, तो जी बिल्कुल, अगर आपने अपना व्रत पहली बार शुरू करना है तो कल की जो एकादशी है निर्जला एकादशी है, बड़ी एकादशी, आप व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर नेपाल नेपाल का सवाल है कि मैम आज चावल खा सकते हैं कि नहीं, आज का भोजन कैसे खाना चाहिए, तो जी मैंने बताया कि दशमी तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, खिचड़ी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, दिन ढलने से पहले पहले भोजन कर लेना है। फिर सवाल है प्रबल शुक्ला का कि मैम मैं निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करता हूँ, क्या मैं दान कर सकता हूँ, तो जी बिल्कुल, अगर आप व्रत नहीं करते तो व्रत के दिन एकादशी के दिन आपको चावल खिचड़ी बिल्कुल नहीं खानी है, प्याज लहसुन ना खाएं, दान आप दे सकते हैं। फिर सवाल है इंदु डोड़ का कि अगर निर्जला एकादशी रखनी है तो मॉर्निंग में सुबह ब्रश वगैरह कर सकते हैं ना, तो जी बिल्कुल व्रत वगैरह कर सकते हो। आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि आप दातुन लेकर आके कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, नीम के दातुन लेकर आएँ आप, दातुन करें। वैसे पहले के लोग तो दातुन ही करते थे, आज के टाइम में हमारे पास यही चीज़ अवेलेबल है, तो हम पेस्ट ही करेंगे, यानी कि जो सुबह ब्रश करते हैं वही करेंगे। फिर उसके सवाल है राजकुमारी नेतम का कि क्या आप मेरे लिए बाल गोपाल चार नंबर के लेकर भेज सकती हैं, और एक ही ऐसा ही सवाल आया कि क्या आप हमें बाल राधा रानी दे सकती हैं, तो जी देखिए मुझे गिव अवे करना था लेकिन कोरोना करके मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ, तो देखती हूँ कोशिश करूँगी जल्दी ही आप लोगों को भेजूँगी। फिर सवाल है इंदु डोड़ का कि मुझे एक कन्फ्यूजन हुई है, अगर हम फलाहार व्रत करेंगे तब भी पारण तो द्वादशी तिथि को ही होगा ना, आपने कहा एकादशी तिथि को शाम को व्रत खोल लें, अन्न तो फिर भी नहीं खाते, तो जी ऐसा है अगर आप फलाहार व्रत करेंगे तो आपको एकादशी के दिन ही आपको अपने व्रत को खोलना होगा, और द्वादशी तिथि को आपको अन्न का सेवन करना होगा। फिर सवाल है प्रतीक का कि अगर दक्षिणावर्ती शंख को एकादशी पूजा में रखना हो तो उसमें चावल भरकर रखे रहते हैं तो उनके साथ ही रखें या चावल हटा के रखें, अगर चावल हटाएं तो फिर शंख में क्या रखना है प्लीज़ बताएं, और द्वादशी पे चावल दान करने हैं, तो जी बिल्कुल द्वादशी पर चावल का दान देना है, चावल कच्चे चावल का दान भी दे सकते हो, बनाकर भी दे सकते हो, क्योंकि ठाकुर जी के भोग लगेगा तो पका हुआ चावल का दान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रही बात दक्षिणावर्ती शंख की एकादशी की पूजा में रखना है, उसमें चावल होते हैं तो उन चावलों को आप एक कटोरी में डालकर अलग रख लें और उस दक्षिणावर्ती शंख से पंचा में डालकर ठाकुर जी को स्नान करवाएं, फिर उसके अंदर आप गंगा जल भरकर मंदिर में रख सकते हैं। फिर सवाल है काना का कि दीदी आप शाम को जब थोड़ा पानी लेती हैं तो उसके बाद सीधे सुबह ही पानी पीती हो,
तो जी देखिए, मैं निर्जला व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर वही बात कि शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार अपने व्रत रखने चाहिए। तो अगर हम बिना पानी के व्रत रखेंगे तो जो हमारा ध्यान है वो उसी में ही रहता है, हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, क्योंकि अंदर बेचैनी सी रहती है, एक तो गर्मी और ऊपर से पानी भी नहीं पीना। तो जी मैंने एक या दो बार ही निर्जला व्रत रखा है, उसके बाद मैं व्रत रखती हूँ फलाहार के रखती हूँ, यानी कि मीठा ही खाती हूँ निर्जला एकादशी के दिन। फिर सवाल है सरिता गोहर का, क्या भगवान जी को अर्पित किया हुआ भोग व्रत करने वाले ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल, ठाकुर जी को जो भोग अर्पित किया जाता है उसके बाद वो भोग आप अपने घर में पूरे परिवार सहित खा सकते हैं। फिर सवाल है मुस्कान वर्मा का कि मुझे रिप्लाई दे प्लीज़, इस पर क्वेश्चन का रिप्लाई दे मैं, क्या दशमी को हम 3 टाइम भोजन कर सकते हैं, सुबह नमक वाला पराठा खा सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई, मुझे पता नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो जी दशमी तिथि को आप जैसे आपको भोजन करना है, 3 टाइम बोला है तो आप 3 टाइम खाएं, लेकिन दिन ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है और आपको चावल खिचड़ी का सेवन नहीं करना है। फिर सवाल है नीलू मिश्रा का कि एकादशी के दिन पारण कैसे करते हैं, क्या पारण के पूरे दिन में एक ही बार भोजन करते हैं? तो जी बिल्कुल, जब व्रत का पारण किया जाता है, वैसे तो व्रत का जो एकादशी का पारण है वो अगले दिन किया जाता है, लेकिन व्रत भी खोलना होता है, वो व्रत आपको एकादशी के दिन ही कुछ खाकर खोलना है, तो आपको एक टाइम ही भोजन करना है। फिर सवाल है आकांक्षा डाबरा का कि निर्जला एकादशी पर कान्हा जी को फ्रूट और फलाहार का भोग लगा सकते हैं तो है क्या? तो जी मैंने वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताया कि ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाएगा वो दूध और फ्रूट्स का भोग ही लगाया जाएगा। फिर सवाल है यश सोनी का, आंटी जी कहते हैं कि इस व्रत में ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए पर आम तो गर्म होता है। तो जी देखिए, सीजन का जो भी फल होता है उसका दान किया जाता है, और जो मैंने आपको बताया कि ठंडी चीज़ों का, जैसे कच्ची लस्सी बनाकर दी जाती है, पंजाब में उसे छबील भी बोलते हैं, और दूध का दान दे, दही का दान दे, लस्सी का दान दे, तो सीजन का जो भी फल होगा उसका तो दान दिया जाएगा ही जाएगा। फिर सवाल है कोमल निश्चल का कि एकादशी व्रत में कितने टाइम नमक खा सकते हैं? तो जी वैसे तो एक ही टाइम नमक खाना चाहिए, और एकादशी का जो व्रत है वो भी बिना नमक वाला किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं रखा जाता बिना नमक वाला तो कोशिश करें नमक आप एक बार ही खाएं। फिर सवाल है मेरे लाडे सर का कि आप घर कब आओगे मैया? तो जी बहुत जल्दी ही मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। फिर सवाल है पुष्पा चौधरी का कि मंडे को सूर्य उदय से पहले पानी पी सकते हैं यानी? तो जी बिल्कुल, सुबह सूर्योदय से पहले आप पानी पी सकते हैं। फिर सवाल है तन्वी मेहरा का कि मैं फर्स्ट टाइम व्रत रखूंगी तो क्या क्या करना है? तो जी आपने शायद वीडियो नहीं देखी है पूरी, तो मैंने पूरी वीडियो में पूरा डिटेल से आप लोगों को बताया है कि आपको क्या क्या करना है। फिर सवाल है साजन भड़ाना का कि वैभव लक्ष्मी व्रत में गेहूं के आटे की रोटी और सामक की खीर खा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप वैभव लक्ष्मी व्रत में ये सब खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी भोजन करना है बिना प्याज लहसुन का करना है। फिर सवाल है कविता यादव का कि निर्जला व्रत नहीं रख पाऊंगी, प्लीज बताएं मैम मैं ये व्रत कैसे करूँ? तो जी मैंने पूरा वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जरूरी नहीं है आपको ये व्रत निर्जला रखना है, और खा पी कर भी यानी कि अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप इस व्रत को करें। फिर सवाल है पार्थ अग्रवाल का कि मैंने सुना है इसमें गर्म नहीं खाते हैं इस दिन, ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, इस दिन से एक दिन पहले बना के रखना चाहिए। तो जी मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि निर्जला एकादशी के दिन ये सब होता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो सब तो जैसे शीतला माता की पूजा होती है उस दिन होता है, लेकिन इस दिन तो आपको गर्म खाना, तो इस दिन आप ताज़ा खाना बनाकर खाएं और ठाकुर जी को भी उसी का ही भोग लगाएं। फिर सवाल है पटेल स्मित का कि मैम एकादशी की दिनचर्या आपने सिर्फ यही लिखा है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपने पूछा बोला कि दिनचर्या क्या रहेगी वो तो मैंने बताया ही है, लेकिन मेरी दिनचर्या एकादशी के दिन कैसी रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगी। फिर सवाल आकांक्षा डाबरा का कि हमारे घर मासी के लड्डू गोपाल जी आए हैं तो क्या मैं अपने कान्हा जी को ड्रेस उनके कान्हा जी को पहना सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, आप अपने कान्हा जी की पोशाक उन्हें पहना सकते हैं। कविता रानी का फिर अगला सवाल है
पानी के साथ फ्रूट ले सकते हैं तो जी बिल्कुल, फ्रूट आप पानी के साथ ले सकते हो, दूध के साथ ले सकते हो। फिर सवाल है टीना तोमर का कि क्या कुमारी कन्याएं भी रह सकती हैं निर्जला? तो जी बिल्कुल, आपकी इच्छा है, अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो आप ये व्रत कर सकते हैं। फिर सवाल है एकता एकता का कि एकादशी वाले दिन तुलसी जी में जल चढ़ाया जाता है, यानी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं दिया जाता, तो जी देखिए एकादशी के दिन तुलसी जी में जल दिया जाता है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा है, हम बचपन से देखते आए हैं, एकादशी के दिन तुलसी जी में दिया भी लगाती थी और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी दिया जाता था। फिर सवाल है पूजा तुलसी का कि मेरे यहाँ डेथ हो गई है तो मैं गोपाल जी की सेवा का क्या करूँ, क्या उन्हें स्नान भी नहीं करा सकते? तो जी अगर आपके घर में छोटी लड़की है या कोई लड़की है वो ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना कर सकती है, व्रत आप कर सकते हैं। फिर सवाल है बलबीर सिंह का कि तुलसी पूजा रोज करते हैं तो क्या रोज रोली हल्दी सिंदूर से रोज पूजा करते हैं या सिर्फ जल चढ़ाया जाता है, प्लीज बताए दी। मैं एक बार और क्या सवाल जवाब में और आपने नहीं बताया, तो जी हो सकता है आपका सवाल मेरी आंखों के सामने नहीं आया होगा। तो जरूरी नहीं है कि रोज तुलसी जी को हल्दी सिंदूर और ये सब चढ़ाया जाए, आप डेली खाली जल से भी उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। फिर सवाल है मुस्कान का कि मैया क्या मटका बड़ा ही दान करना होता है या फिर छोटी सी मटकी भी दान कर सकते हैं, क्योंकि मैं ही करूँगी, प्लीज़ बताइएगा। तो जी देखिए मैंने पहले ही बोला है वीडियो में कि दान भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी चीज़ों का ही दान देना है, उसका भी आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान देना है जितना आपसे हो सके। फिर काफ़ी लोगों के सवाल ये भी हैं कि मैम हमारे पास विष्णु जी की फ़ोटो नहीं है, लड्डू गोपाल जी भी नहीं है, कृष्ण भगवान का विग्रह भी नहीं है, तो कैसे पूजा करें? तो जी आप अपने घर के मंदिर में ही मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को याद करें, ठाकुर जी यानी कि कन्हैया जी को याद करके आप अपना व्रत बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से कर सकते हैं। फिर सवाल है अच्युत जायसवाल का कि दान किस दिन देना चाहिए, एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन? दान में राइस और तेल दे सकते हैं क्या? तो जी एकादशी में जो दान दिया जाएगा, दान दोनों दिन ही दिया जाता है, एकादशी के दिन दूध और फल दही जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं उनका दान दें, द्वादशी के दिन अन्न का दान दिया जाता है दक्षिणा सहित। रही बात राइस और तेल, तो जी राइस का यानी कि चावल का दान आप दे सकते हैं, तेल का दान आप ना करें। फिर सवाल अलका दुगल का कि मैम अब आपके भाई साहब कैसे हैं? तो जी जो मेरे देवर हैं अब वो बिल्कुल ठीक हैं, ठाकुर जी की कृपा से और आप सब लोगों की दुआओं से। फिर सवाल है नैना हंडा का कि दी किसी भी एकादशी को राइस नहीं खाते हैं? तो जी बिल्कुल भी, एकादशी से एक दिन पहले और एकादशी के दिन जो चावल है वो नहीं खाया जाता है, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई ही है कि एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाया जाता है। फिर सवाल है नैना हंडा का कि अगर हम घर पे ना हो और लड्डू गोपाल घर पे हो तो एकादशी कैसे करें? तो जी बिल्कुल साधारण सा है, मानसिक रूप से ठाकुर जी की पूजा सेवा कर लें, अगर आसपास कहीं मंदिर हो तो वहां जाकर पूजा कर लें और अपना जो व्रत है वो कर लें। फिर सवाल है किरण धमीजा का कि क्या एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगवा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, एकादशी के दिन आप तुलसी का पौधा लगवा सकते हो। फिर सवाल है नैना हंडा का कि दी पारण हमको 21 को करना है, 22 को? तो जी व्रत 21 तारीख को है, व्रत का पारण आपको 22 तारीख को करना है, जिसकी टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता ही दी है। फिर सवाल है विश्वास गुरुओं का कि मैम क्या निर्जला एकादशी से पहले दशमी के दिन शाम को प्रसाद पाने के बाद जब सनसेट हो जाएगा तो क्या उसके बाद हम पानी पी सकते हैं? तो जी देखिए आपने व्रत का संकल्प जैसे लिया है व्रत आपको वैसे ही करना है। अगर आपने व्रत का संकल्प लिया कि आपने निर्जला रहकर व्रत करना है तो मैंने दो तरीके से बताया था कि दिन ढलने से पहले यानी कि सनसेट होने से पहले आपको अंजलि में जल लेना है, तुलसी पत्ता डालकर उतना ही पानी पीना है। अगर आपने व्रत रखा है कि आपने बिल्कुल भी जल, एक तो मैंने ये बताया था, दूसरा अगले दिन जब व्रत का पारण करेंगे तो उसमें भी आपको अंजलि भर के जल लेना है, उसमें तुलसी पत्ता डालकर वो पानी पी लेना है। और रही बात कि आपने निर्जला नहीं रखना तो पूरा दिन में आप पानी पी सकते हैं एक या दो बार।
फिर सवाल संतोष शर्मा का कि क्या एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से पहले पानी पी सकते हैं क्या? तो जी ब्रह्म मुहूर्त तो 3:30 पर शुरू हो जाता है, उससे पहले आप पानी पी सकते हैं। फिर सवाल है पूजा चौधरी का कि दी मुझे जानना है कि पारद का शिवलिंग कहाँ से बनवाऊँ, कितना बड़ा जो सही रहेगा घर में, और बता देना मुझे नहीं पता कहाँ से कैसा बनता है, मुझे गाइड करें। तो जी जो पारद का शिवलिंग है बनवाया नहीं जाता है, वो बना बनाया मिलता है। साइज होता है कि आपको कितना छोटा लेना है कितना बड़ा लेना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है घर पर एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।